वही उत्तराखंड के दो विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर दोनों पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और दोनों ही पार्टियों में लगातार चुनाव की तैयारी के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा की शासन करने की नीति पर प्रहार करते हुए कहा कि शासन चलाना तो कांग्रेस को ही आता है। इसके आगे अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा में 100 से अधिक सांसद कांग्रेस के पृष्ठभूमि के हैं और मंत्रिमंडल में भी आधे से अधिक मंत्री कांग्रेस पृष्ठभूमि से है, इसलिए चुनाव के समय कांग्रेस से नेताओं को तोड़कर भाजपा अपने खेमे में लाती है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। मैं तो बीजेपी की हालत खराब है, मैंने कहा ना 100 से ज़्यादा सांसद तो कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, मंत्रिमंडल में आधे से ज़्यादा मंत्री कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, लेकिन उसके अलावा भी शासन करना तो कांग्रेस को ही आता है, इसलिए मंत्रियों के लिए कांग्रेस से लोगों को ले जाया जाता है। बीजेपी की हालत खराब है और इस समय भी देख लीजिए, अगर आप उत्तराखंड की बात करें, दो अधिकारी चला रहे हैं, पूरा तंत्र जो है दो अधिकारियों के ऊपर है, विनय और दूसरे वाले हैं ही हैं, तो इस समय स्थितियाँ जो है बड़ी बिगड़ चल रही है। सुंदरम सुंदरम सुंदरम